ऊपर चढ़ाई, ऊपर चढ़नी है। और यहाँ पे देखो गाइस बहुत सारे सामान, और दीदी लोग भी, सारे लोग बोलने का हिम्मत ही नहीं है किसी को। गुड, कुछ ला दे रहा यार ये तो इसको। यहाँ पे मांस भिगोने की रस्म चल रही है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 11 बजे से, और अभी हूँ मैं अपने किचन में। और आज ना गाइस मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली, कोई पहाड़ी रेसिपी शेयर नहीं करने वाली हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर, यानी कि मेरी जो मम्मी है, मम्मी के ताऊजी के बेटे के घर जा रही हूँ, मतलब मेरे मामा उनके घर जा रही हूँ। मेरे मम्मी के ना ताऊ ताई के बच्चे हैं, वो गांधीनगर रहते हैं, यहाँ से करीब होगा 30-40 किलोमीटर दूर गांव है गांधीनगर। आप सोच रहे होंगे गाइज वहाँ पे गांधी जी का कहीं जन्म तो नहीं हुआ होगा, लेकिन गाइज वहाँ पे ना मुझे भी नहीं पता कि वहाँ पे उस जगह को गांधीनगर क्यों कहा जाता है, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो फिर गाइज आज हम लोग जा रहे हैं मामा के घर, यानी कि गांधीनगर। तो फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी, क्योंकि ना वहाँ पर ना मेरे मामा के पोते की शादी है, दो पोतों की शादी है इकट्ठे। तो फिर मैं आप लोगों के साथ ना गाँव की शादी कैसे होती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। अभी ना हम लोग घर से निकल गए हैं, मार्केट में पहुंचे हैं। फाइनली डेढ़ घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी चढ़नी है हमको ऊपर, चढ़ाई ऊपर चढ़नी है। और यहाँ पे देखो गाइस बहुत सारे सामान, और दीदी लोग भी, सारे लोग हैं, और हम भी चलते हैं। अभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है, तो फिर चलो गाइस चलते हैं धीरे धीरे ऊपर तक, और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। रोड से ना करीब 15-20 मिनट चलने के बाद अभी यहाँ पे ना बढ़िया सा मैदान जैसा लग रहा है। देखते हैं यहाँ पे बैठते या ऊपर वाले मैदान पे बैठते एक बार, फिर चलेंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे दिख रहा है बढ़िया सा मैदान, तो फिर अभी हम लोग सभी लोग यहाँ पे बैठे, थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के पानी वगैरह पियेंगे, फिर चलेंगे ऊपर। तो फिर पानी वानी पीते हैं, फिर चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे पल्लू बैठी है, और यहाँ पे मामा बैठे, और दीदी और मामी लोग वहाँ पे बैठे हैं। पल्लू 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 भी थक गई है, और हम लोग भी थक गए हैं। तो फिर पानी वानी पी के फिर से हम लोग चल दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर चलना है हमको। गाइज ये देखो, ये है सबसे लेजी दीदी। थक गई गाइज, ये थक गई है। अभी तो बहुत दूर जाना है, क्योंकि बहुत दूर है ना। और सब लोगों की देखो गाइज थक के हालत ख़राब हो गई है, और हम लोग भी लगे हैं धीरे धीरे। गाइज मैं ना यहाँ पे कितने साल, 5 साल बाद आ रही हूँ अपने मामा के घर। 5 या 6 साल हो गए होंगे, और ये लोग तो खैर आते रहते हैं, फिर भी थक रहे हैं ये लोग, ये लोग बोलने का हिम्मत नहीं है किसी को। चलिए महाराज गाए जब। चलो हम लोगों ने ना लगभग पूरा रास्ता तय कर ही लिया है, और वहाँ देखो कितनी बढ़िया धूप खिली है, और वो है मटकोट, और यहाँ देखो छाव है। और अभी हम लोग पहुँचे फर्स्ट वाले घर में गांधीनगर के, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जहाँ पे शादी है। ये लोग देखो गए यहाँ पे बैठे, और मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखो गाइज यहाँ पे है शादी। ये है मेरे मामा का घर और ये नीचे वाला छोटे वाला मामा का घर और ऊपर वाला बड़े मामा का घर। और तो फिर चलो गाइज चलते हैं हमसे मिलने के लिए। देखो गाइज यहाँ पे शेरू भी आ गया है। शेरू ले ले बच्चा ते दोस्त शेरू 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 ए शेरू ए शेरू शेरू नाम है तेरा? शेरू नाम है इसका? शेरू शेरू तो चोट लगी यार इसको, तो चोट लगी इसमें चोट लगी देखो। शेरू 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 अरे 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 एक से बढ़कर एक, एक से बल्ले आया 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 क्या हुआ का? बच्चू 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 ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये चोर आ गया, ये जलन खोर आ गया, ये जलन खोर क्या हुआ क्या हुआ हाँ? मेली दीदी मेली दीदी मेली दीदी मेली दीदी है मेली दीदी है ये मेली दीदी का खुजली खुजली लगी है इसको, खुजली खुजला दे फिर से खुजला खुजला दे गुड खुजला दे रहा यार ये तो इसको गुड कितना मजा आ रहा है यार इसको तो मजा आ रहा है यार इसको तो ना आया मजा मजा आया इसको हो गया बस बच बच हो गया ये है यार ये कामदार खुजला दे रहा था यार खुजला दे रहा था यार ये छिची मत करी मत काट उसको हेलो फिर से खुजला दे रही है फिर से खुजला दे रही है खुजली लगी है तेरे को खुजली लगी है इसको हो गया हो गया हो गया टैंक कौन बोलेगा मुझको टैंक कौन बोलेगा गंदा चोट लगी है उसके इसमें देख चोट लगी है ना चोट लगी है ना अरे क्या हुआ क्या हुआ हो गया ही हो गया कितना खुजला हो गया अच्छा हाँ मैं तुझे चिज्जी देती हूँ उसमें कुछ नहीं है रे दारू है पिएगा उसमें ले ले इधर तुझे भी दूंगी मैं ये वाला इसके लिए इसके लिए ये वाला चॉकलेट नहीं खाएगा चिच्ची इसको चॉकलेट पसंद ही नहीं है लेना ए इसको नहीं है पसंद मुझे तो है यार मैं तो खाऊंगा ये आया मजा गुड अच्छा मजा आ गया यार मेरे को तो मजा उसने नहीं खाया ना उसने नहीं खाया उसका उसके हिस्से का भी तूने ही खाया उसके हिस्से का भी इसी ने खाया ये गंदे बच्चे सो जा दीदी लोग वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे हम लोग चाय पीते नहीं इसलिए हम तीनों लोग आ गए हेलो 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 सन्नू पहुंच ही गए फर्स्ट वाले मामा के घर पे ये रहा फर्स्ट मकान मेरे मामा का और उसके बाद एक मामा ऊपर पे रहते हैं और दूसरे मामा उससे ऊपर पे रहते हैं और चलो दिखाते हैं आप लोगों को कितना तेल था बस यहाँ यहाँ पे ना तीन पीढ़ी इकट्ठी बैठी है एक सास फिर उसकी बहू देखो गाइज ये है गाइज ये है मेरे मामा का घर एक नीचे पे है मेरे मामा के ना चार बेटे हैं तो दो बेटे वहाँ पे रहते हैं और दो यहाँ पे रहते हैं
तो फिर मामा भी यहीं पे रहते हैं। देखो गाइस ये है मेरे मजले वाले मामा का घर। अखरोट पार्टी चल रही है यहाँ पे, अखरोट पार्टी, अखरोट पार्टी चल रही है यहाँ पे। ए पीयूष, ए पीयूष है। तो फिर गाइस ये तो है मेरे मजले मामा का घर, और ये जो है ये मेरे मजले मामा की सबसे छोटी बहू है, और वो है मेरी मामी, सबसे छोटी वाली मामी। और अंदर नानी बैठी है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस ये है मेरी नानी, और ये सबसे छोटी वाली मामी है, मतलब मेरी नानी मेरी मम्मी की ताईजी हुई। तो फिर ये है मेरी नानी और ये मामी। देखो गाइस दोनों सास बहू की यहाँ पे गप्पे चल रही है। जीते रहो। नानी से भेंटघाट करने के बाद अभी हम लोग उनके दूसरे वाले घर पे आए हैं। यहाँ पे भी मामी लोग अभी है नहीं, क्योंकि ऊपर गए होंगे शादी में काम वगैरह करने के लिए। तो फिर चलो तो उनकी हम लोग अंदर बैठ जाते हैं और मामी का करते हैं इंतजार। ये देखो गाइस हमारी बजरी वाली मामी आ गई है। तो फिर मछली वाली मामी से भी भेंटघाट हो गया, और हम लोग चलती है ऊपर शादी वाले घर में। और ये रही गाइज, हमने बैग नीचे ही रखा है। ये रही पोटली ऊपर के लिए, जो भी एक से ही कौन है यार, याली नीचे ही गोल्डी ना मेज का गोल्डी पहने रहते हैं। गोल्डी से वो काली पहने तेरी बैठोले की जो मोबाइल जा। चलो 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 चलो। ये ना गाइज हमारे सबसे बड़े वाले मामा का घर है, जिनके पोते की शादी है। तो वो लोग ना ऊपर नहीं रहते, उनको यहीं पे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे उनका पुराना घर है। ये देखो गाइस ये है मेरी सबसे छोटी वाली मामी, आज ये अपने गांव आई है। ये लोग मुंशारी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भी है इनका घर, और आए हैं। और ये है मेरे सबसे बड़े मामा का घर। हेलो गाइस। यहाँ पे भी मामा से भेंट करने के बाद, मामा मामी से भेंट करने के बाद अभी हम लोग पहुँच गए हैं शादी वाले घर में। यहाँ पे देखो गाइस शादी की तैयारी चल रही है। ये ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं ना इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ, और इसके आगे का आपको दिखाती हूँ कल।